क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का पार्ट 6 कराने जा रहा हूं, जो कि एक्सरसाइज 4 भी है और यूनिट 2 एलजेब्रा चल रहा है आपका। तो बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं क्या है ये। नंबर क्वेश्चन 10 है आपका। If 5x minus 3 is less than and equal to 5 plus 3x is less than equal to 4x plus 2. Express it as a is less than x is less than and equal to b and then state the variable of a and b. लिख लेते हैं पहले 5x है, माइनस का 3 है, लेस देन इक्वल टू कितना है 5 है, प्लस 3x है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिए, बाकी सॉल्व करेंगे, राइट वाले को बाद में देखेंगे। अब x वाले एक तरफ कर लीजिए तो 5x हो गया, माइनस का 3x हो गया, लेस देन एंड इक्वल टू यहाँ 5 है, 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x करेंगे तो 2x आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। तो x लेस देन इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया है आपका। दैट मीन्स यू हैव टू राइट 4 इज, चलिए देखते हैं इसको आगे। चलिए राइट पार्ट को भी ले लेते हैं। राइट पार्ट में आएगा आपका कितना 5 प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो इसमें 2 को इधर ले आएंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4x है और 3x को इधर ले जाइए तो माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ आ गया 3 इज लेस देन इक्वल टू x हो गया है। अब यही आपको देखना है कैसे लिखना है इसको, यानी इन दोनों को अगर हम मिला करके लिखते हैं तो ये ऐसा लिखा जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, और ऊपर क्या कहा गया है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। ऊपर नीचे कंपेयरिंग कर लेते हैं तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा और b इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे करना है इसको। क्या कह रहे हैं ये, 2x minus 3 is less than x plus 2 is less than and equal to 3x plus 5 where x belongs to real number। पहले लेफ्ट साइड यूज करते हैं तो 2x minus 3 is less than x plus 2 हो गया। तो चलिए इसको x वाले एक तरफ कर लेते हैं तो 2x minus x हो जाएगा इस साइड में, less than इस 3 को इधर ले आते हैं तो 2 plus 3 हो जाएगा। यहां से x बच गया और less than equal to 5 हो गया ये। चलिए अब राइट हैंड साइड को भी यूज करते हैं तो ये हो जाएगा x plus 2 is less than equal to 3x plus 5। अब x वाले एक तरफ कर लो, इसको इधर एक तरफ कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 2 माइनस का 5 आ गया, लेस देन इक्वल टू यहाँ 3x है, x को साइड ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। ये आ गया माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 2x आ गया। सो माइनस का 3 बाई 2 लेस देन इक्वल टू x हो गया है, यानी माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू x हो गया है। इसको सही कर दीजिए, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 1.5 हो गया है। अब इसको नंबर लाइन पे करना है बच्चों। तो देखो नंबर लाइन मैंने ये बना दी है, नंबर लाइन थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने जानबूझ करके, और ये आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है। यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। इधर आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ऐसे यहाँ पर माइनस 5 है। अब ये कह रहा है देखो, ये ग्रेटर देन माइनस इक्वल टू माइनस का 1.5, तो माइनस का 1.5 यहाँ पर होगा। ये तो यहाँ पे क्या करना है, इसको डार्क कर देना है, डार्क एंड सर्कल बनाना है यहाँ पे बच्चों। और लेस देन 5 कह रहा है तो 5 पर जो है ये होलो सर्कल बनाना है आपको, और इसके बीच में ये डार्क कर देना है। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे आप,
जिससे ये आंसर आपको दिखाई दे सके। ये आपका आंसर हो चुका है इतना, यही आपका आंसर होगा। तो इसको एक साथ लिख सकते हो, उसको लिखना चाहो अगर आप, ये आ जाएगा माइनस का 1.5 लेस देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया है। ये यहाँ पे बच्चों लेस देन आएगा, यही आपका आंसर है। ग्राफ पे भी दिखा दिया और समसम से भी इसका बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आपका, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ, 2x-9 इज लेस देन 7। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2x इज लेस देन 7 प्लस का 9 हो जाएगा इधर जा करके, तो 2x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये 16 हो जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, सो x लेस देन कितना हो गया 8। चलिए दूसरी तरफ भी सॉल्व करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, 3x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 25। सो 3x इज लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 9, सो 3x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 बच जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू 16 बाई 3। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होगा, कैसे बनाना है इसको, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। चलिए पहले इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें ये नंबर लाइन ले ली हमने, नंबर लाइन में स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यहाँ पर -1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो 8 पर आपको होलो सर्कल बनाना है, यहाँ होलो सर्कल बनाना है यहाँ पे, और इसके बाद जो है लेफ्ट साइड में इसको चलना चालू कर देंगे। इधर चलाएंगे आप इसको, लेफ्ट साइड में चलाना है पूरे को। और इसके लिए देखो क्या करना है, इसके लिए फिर से नंबर लाइन बनाइए ये, और यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इधर वाला -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ 5.3 यहाँ आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, डार्क करना है आपको, सर्कल को डार्क 5.3 से डार्क बना करके इस तरफ को ले चलना है लेफ्ट हैंड साइड। सो दैट इज योर आंसर। ये ध्यान रखना, ये x इज लेस देन 8 हो गया और ये x इज लेस देन इक्वल टू 5.3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, 2x-9 इज लेस देन इक्वल टू 7। देखिए तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 9 हो जाएगा, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 7 और 9 हो जाएगा 16। सो x लेस देन इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 8 जा जाएगा, सो x इज लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। चलिए दूसरे वाले पार्ट को भी देखते हैं, 3x है प्लस का 9 है ग्रेटर देन 25 है, तो 3x इज ग्रेटर देन 25 माइनस 9 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों देखो इधर, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 16 बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 3, ये 3 5 जा हो गया, 5.3 आ जाएगा। चलिए इसको दिखाते हैं, तो ये आपका कितना आ गया, ये नंबर लाइन हो गई आपकी, यहाँ से -1 ले रहा हूँ, ये 0 हो गया आपका, फिर ये 1 आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया।
यहाँ कह रहा है लेस देन एन इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर क्या करना है, डार्केंड सर्कल बनाना है, तो ध्यान रखना डार्केंड सर्कल बनाना है। चलिए इसके बाद जो है इसको नीचे की तरफ कर दीजिए, यहाँ पर रियल में जो आंसर आ रहा है ये आ रहा 5.3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 8। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखना बच्चों ये जो है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर मतलब माइनस के और प्लस के जो भी है जीरो से इंक्लूड करके, तो 5.3 से इंटीजर आपका बड़ा होना चाहिए, तो 5.3 मतलब 5 आ जाएगा। एक तो 5 को डार्क करिए, इंटीजर में बच्चों सबको डार्क करना पड़ेगा, 6 भी आपका डार्क हो जाएगा, 7 भी डार्क हो जाएगा और 8 भी डार्क रहेगा क्योंकि गॉट 4 है, मतलब ये जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ये ग्राफ पे हो गया और इधर नीचे आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका थर्ड है, तो थर्ड में लिखा हुआ है x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और ये x माइनस 1 है, तो चलिए x प्लस 5 है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 हो जाएगा। अब इधर ले चलते हैं 4 को, इधर ले चलते हैं तो 5 प्लस 4 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 4x है और ये माइनस का x इधर आ जाएगा, सो इट विल बी 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x हो गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 9/3 हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 3×3 = 9, तो 3 आ गया यहाँ पे, या इसको सही करके लिख दीजिए, ये आपका ऐसा लिखा जाएगा x लेस देन 3। चलिए सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, ये है 3 - 2x लेस देन -7, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बच्चों की, तो ये आ जाएगा 2x को इधर ले आओ और 7 को इधर ले आओ, तो 3 प्लस का 7 हो गया लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन केवल है 2x, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 2x आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा लेस देन x बच जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया लेस देन x हो गया, या इसको ऐसा भी कर सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, x इज लेस ग्रेटर देन 5 हो गया। चलिए यहाँ नंबर लाइन बना देते हैं बच्चों ये, और यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ले ले रहा हूँ, -1 यहाँ आ गया, माइनस का 2 यहाँ हो गया और इधर हो गया 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो लेस देन इक्वल टू 3 यानी ये 3 दिखाई दे रहा है, इसको डार्क कर दीजिए और इधर की तरफ लाइन चला दीजिए, इसको डार्क करना है थोड़ा सा, चलिए डार्क हो गया है। इसके बाद जो है x इज ग्रेटर देन 5 का है, तो 5 से यहाँ हुलो बनाना है आपको और इधर की तरफ लाइन खींचनी है, ये इधर जाएगी लाइन, डार्क कर लेंगे आप लोग अपने हिसाब से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना x इज लेस देन इक्वल टू 3 है और x इज ग्रेटर देन 5 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। चलिए फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपको 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन है 19 और 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो पहले है 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 19, सही कर लीजिए 3x इज ग्रेटर देन, इसको 2 को इधर भेज दिए तो 19 प्लस का 2 हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा, सो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 21/3 हो जाएगा, सो 3 7 = 21।
एक्स इज ग्रेटर देन सेवन आ गया। चलिए इधर वाले पार्ट को भी देखते हैं और में क्या चल रहा है। थ्री माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सेवन। सो टू एक्स को इधर ले आओ, सेवन को इधर ले आओ, तो थ्री प्लस सेवन हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स हो गया। तो ये आ गया टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स। टू से डिवाइड कर दीजिए तो फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यू कैन से एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव। अब चलिए इसको ग्राफ पे यानी कि नंबर लाइन पे शो करना है। ये नंबर लाइन मैंने बना दी है बच्चों। नंबर लाइन पे आपको देखना है 0 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए माइनस वन ले लिया, यहाँ पर जीरो हो गया, ये वन हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन बना दिया है। एक्स की वैल्यू जो है सेवन से ग्रेटर है, यानी ये सेवन है, सेवन को क्या करना है, फुल सर्कल बनाना है यहाँ पे, और ग्रेटर है तो इस तरफ की लाइन चल पड़ेगी आपकी, ये वाली लाइन चलानी है, इधर डार्क करना है आपको। और ये कह रहा है लेस देन फाइव इक्वल टू है, तो ये लेस देन के लिए फाइव, यहाँ पे डार्क एंड सर्कल बनाना है आपको। ये क्या करना है, डार्क एंड सर्कल बनाना है, इसको डार्क सर्कल बना दीजिए और ये लेफ्ट में चल पड़ेगा। ये तो लेफ्ट वाला पोर्शन पूरा डार्क करना है आपको, ये डार्क करते हुए चलिएगा, पूरा लास्ट तक डार्क करना होता है बच्चों इसको। ये आपका आंसर आ गया है, तो यही आपको लिखना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा। ये आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13। सॉल्व द ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। चलिए ये है सेकंड पार्ट इसका। ये है फाइव, यहाँ पी है, माइनस का वन है, और यहाँ पर एक और दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन टू। तो फिलहाल इसको इतना ही लेके चलो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, तो फाइव प्लस वन इज ग्रेटर देन पी हो गया, यानी सिक्स इज ग्रेटर देन पी हो गया। दूसरे को कह रहा है पी माइनस वन, दूसरे वाला भी ले रहा हूं मैं, पी माइनस वन इज लेस देन टू, सो पी इज ग्रेटर देन टू आ गया। सिक्स से लेस है और ग्रेटर देन टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, सिक्स ऐसा पी आ जाएगा और फिर ऐसा टू आ जाएगा, यानी कि इसके बीच में है ये। ऐसे ही इधर वाले को भी देख लेते हैं क्या है, ये सेवन है और लेस देन इक्वल टू टू पी माइनस वन कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो सेवन प्लस वन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू टू पी आ जाएगा, यहाँ एट हो गया, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, ये टू पी, टू से डिवाइड कर दीजिए तो फोर लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, पी आ गया है। चलिए इसी का दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। ये क्या दिया है, टू पी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू सेवनटीन है, तो ये आ जाएगा टू पी इज लेस देन इक्वल टू सेवनटीन, ये वन इधर जाके प्लस का हो जाएगा, टू पी लेस देन इक्वल टू एटीन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका टू से डिवाइड करेंगे तो ये आपका नाइन आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, ये माइनस वन इधर भी भेजना था तो प्लस का ये वन आ गया है, तो पी एट ग्रेटर देन थ्री हो गया है। अब यहाँ पे सारे चीजें निकल चुकी हैं, जरा मैं इनको बॉक्स में बंद कर दूँ, एक तो ये बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, ये भी बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ मैं, इधर ये भी बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ और ये भी बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। इट मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा पी इज ग्रेटर देन थ्री है, तो इसको उल्टा करके लिखना है, यानी थ्री इधर लिखेंगे फिर ये ग्रेटर देन लेस देन पी हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नाइन आ जाएगा, यानी इनके बीच में ये आंसर रहेगा। जरा नंबर लाइन को देख लीजिए बच्चों, ये नंबर लाइन मैंने बना दी है। अब क्या आएगा यहाँ पर, इसमें जीरो ले लीजिए, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे माइनस वन है, ये माइनस का टू है, इधर ले लीजिए वन टू थ्री फोर
सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। हुआ क्या है, नाइन पर आपको डार्कन सर्कल बनाना है, ये डार्कन सर्कल बना दिया। और थ्री पे जो है आपको होलो सर्कल बनाना है ये, और बाकी के बीच वाले हिस्से को आपको डार्क करना है। ये आप लोग डार्क कर देंगे इसको अच्छे से। चलिए ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा। ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द डायग्राम रिप्रेजेंट टू इनइक्वालिटीज ए एंड बी ऑन रियल नंबर लाइन। दो को दिखा रहा है, ए है ये और ये बी है। फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट डाउन ए एंड बी इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में इसको लिखना है। चलिए पहले इसको लिखना चालू करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये है एक्स सच दैट -2 इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पर क्या ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन, यहां थोड़ा सही करिए बच्चियों, यहां पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -2 इज लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू भी आएगा क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ लेस देन 5 तक आएगा, यानी लेस देन 5 हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं आ पाएगा। एंड क्या लिखना है, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए यहाँ देखिए सेकंड में क्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, एक्स सच दैट कितना आएगा -4 आ जाएगा, यहाँ पर भी लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, और यहाँ लेस देन कितना हो गया 3 तक जा रहा है ये, तो 3 आ जाएगा। और एंड में क्या करेंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सेट बिल्डअप फॉर्म है, यानी फर्स्ट वाले का आंसर हो गया है। चलिए अब क्या देखना है, इसमें ए यूनियन बी निकालना है हमें, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में बच्चों देखना ध्यान से, इसको ये ऊपर तक जाएगा -4 तक जाएगा और ये यहां तक पूरा जाएगा, यानी कि यहां तक आ जाएगा। तो चलिए ए यूनियन बी हम निकाल के दिखाते हैं। ए सॉरी ये इंटरसेक्शन बोल रहा है बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी में देखो बच्चों ये इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा और यहां से लेकर के यहां तक जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों। कहां तक जाएगा ये आपका -2 से, मैंने बताया था -2 से, और ये 3 तक आ जाएगा। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यानी कि -2 हो जाएगा ये, लेस देन इक्वल टू एक्स आ जाएगा और लेस देन 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया एक। चलिए दूसरा बचता है आपका ए और इंटरसेक्शन है बी डैश, यानी बी डैश को छोड़ करके इंटरसेक्शन लेना है। बी डैश का मतलब बी को छोड़ दीजिए और बाकी सब, और उसका इंटरसेक्शन लेना। तो ये जरा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यही केवल बचेगा, ये यहां देखो 3 से लेकर के और 5 तक के बीच में आ गया आंसर। तो ये सारा आंसर आपको देना है इस तरह से, और ये लाइनें भी इसमें खींच देना बच्चों, ये लाइनें आपके लिए दिखाई गई, इसमें भी लाइनें ड्रॉ कर देना जिससे कि आपको दिखाई दे सके, ये उसी का फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे तो ये एक्स आ गया और यहाँ पर कितना है 3 है, 3 में लेस देन इक्वल टू और आ जाएगा और यहाँ लेस देन केवल 5 तक रह जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है 15 क्वेश्चन, यूज रियल नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच, इनके लिए रेंज हमें फाइंड करनी है, कहाँ पर रेंज मिलेगी। चलिए देखते हैं इसके आंसर को भी देखते हैं। देखिए पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, ये एक्स इज ग्रेटर देन 3 है एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन 6। जरा इसको सही करके लिख दे रहा हूँ मैं, यानी ये हो जाएगा 3 और लेस देन एक्स हो जाएगा, और यहाँ एंड क्या कर रहा है, 0 इज लेस देन एक्स और लेस देन 6 है। हमें क्या करना है, इसमें रेंज बतानी है, तो रेंज लिख लीजिए, जो रेंज जो आ जाएगी बच्चों वो 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 6 आ जाएगी, और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये
एक्स इज लेस देन जीरो है एंड क्या बता रहा है, माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन है। यहां पर जो सेट आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा माइनस का, थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन जीरो आ जाएगा, ये सेट इसका रेंज आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं बच्चों, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है आपका माइनस वन है लेस देन एक्स है लेस देन इक्वल टू सिक्स है एंड क्या कह रहा है, माइनस का टू है लेस देन इक्वल टू थ्री है लेस देन इक्वल टू, ये एक्स है बीच में बच्चों, एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू थ्री, अब इन दोनों का रेंज बतानी है। माइनस वन से स्टार्ट होगा बच्चों ये और एक्स और कहां तक जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू थ्री तक जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर है क्वेश्चन हमारा, ये है इलस्ट्रेट द सेट एक्स सच दैट माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन टू वेयर एक्स इज रियल नंबर, ऑन अ रियल नंबर लाइन बताना है। तो पहला है माइनस थ्री है लेस देन इक्वल टू एक्स है लेस देन जीरो है एंड और में क्या बता रहा है, ये एक्स इज ग्रेटर देन टू, ये आपकी नंबर लाइन है बच्चों, नंबर लाइन पे ये हमने बना दिया है इसको। अब यहाँ पर चालू कर रहा हूँ, माइनस का फोर है माइनस का थ्री है माइनस टू है माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स चल गया। तो देखियो माइनस का थ्री एंड लेस देन इक्वल टू एक्स है तो माइनस थ्री पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे डार्क एंड सर्कल बनाएंगे, ये डार्क एंड सर्कल बन गया और लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो पे क्या होगा, ये पोलो सर्कल बन जाएगा और यहाँ पे लाइन आपको ड्रॉ करके दिखानी है। ये ऐसे ही यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन टू है तो एक्स पे होलो सर्कल बनाना है आपको और फिर इसके बाद डार्क एंड लाइन इधर कर देनी है आपको, तो ये डार्क लाइन बना देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग, ये यहाँ जाते हैं, यहाँ कुछ कह रहे हैं रिप्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर लाइंस, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी बताना है, ए माइनस बी बताना है और गिवन क्या है, एक्स दैट माइनस वन डैश देन एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव वेयर एक्स इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। बी में क्या है, एक्स देन माइनस फोर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज अ रियल नंबर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फोर ए ले रहे हैं, ए के लिए क्या है नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी गई। अब इसमें यहां पर क्या हो जाएगा, ये जीरो ले लिया मैंने, ये माइनस का वन हो गया और ये माइनस टू हो गया, ये माइनस थ्री हो गया और यहाँ माइनस फोर हो गया, यहाँ पे वन आ गया टू आ गया थ्री आ गया फोर आ गया फाइव आ गया और ये सिक्स आ गया एंड फोन चल जाएगा, सेवन भी चला सकते हैं आप यहाँ पे। तो पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ इन्होंने, ये दिया हुआ है एक्स को ऐसा दिया है कि ये एक्स जो है लेस देन माइनस वन है और ये लेस देन इक्वल टू फाइव है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, फर्स्ट वाला यानी ए है तो क्या करेंगे, इसको माइनस वन है तो माइनस वन पे तो ये आपका ये होलो सर्कल बनेगा और फाइव पर जो है आपका डार्क एंड सर्कल बन जाएगा, ये ए हो गया बच्चों, यानी ये वाला हिस्सा आपका ले लिया जाएगा, ये इतना हिस्सा। चलिए ये तो मैंने ए के लिए बनाया है, सिमिलरली आपको बी के लिए भी बनाना है, ऐसे सेम बनाना लाइन आप और लाइन पे नंबर भी सेम जगह रखना है जिससे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने माइनस फोर लिया है माइनस थ्री लिया है माइनस का टू है और माइनस वन है, फिर यहाँ पे जीरो है फिर यहाँ पे वन है फिर टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है और ये सेवन तक गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक्स को दिखा रहा माइनस फोर लेकर के और लेस देन इक्वल टू एक्स है और लेस देन थ्री है और ये सारा जो है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बताया जा रहा है।
तो माइनस फोर है, तो माइनस फोर पे ये क्या हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा। माइनस फोर पे डार्क कर देंगे इसको बच्चों। और क्या करना है, थ्री पे जो है आपको होलो सर्कल बना देना है। ये होलो सर्कल बन गया और ये इसके बीच में ये डार्क बन गया, ये डार्क कर दीजिए इसको थोड़ा सा। ये नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो मेन बात आती है, इसके इंटरसेक्शन की बात आती है, ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट जो आंसर है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इन दोनों में कॉमन पार्ट, यानी कि यहाँ जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो माइनस वन का ये वाला, और इधर जो दिखाई दे रहा है आपको थ्री तक का, तो ये वाला इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। फर्स्ट क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखिए यहाँ पर माइनस वन से लेकर के थ्री के बीच में होंगे, इनके माइनस वन और लेस देन एक्स हो जाएगा और लेस देन आपका थ्री हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर है बच्चों ये ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ऐसे ही अब सेकंड में चल रहे हैं लेकर के, सेकंड वाला क्या है, ये है ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी कि ए को छोड़ करके, ए ऊपर वाला है, ये फोर बी था बच्चों, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने शायद, यहाँ पर ये फोर बी है बी के लिए। इसमें कह रहा है ए को छोड़ करके, ए जो है ये छोड़ दीजिए, इतना हिस्सा छोड़ दिया जाए तो इधर वाला हिस्सा बचेगा, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ तक आएगा बच्चों, माइनस वन से लेकर के इधर माइनस फोर तक का आएगा। ये यहाँ देखो माइनस वन से बच्चों, ये माइनस माइनस वन और माइनस फोर के बीच, मैंने बताया था ए को छोड़ देंगे पूरा इधर का हिस्सा, और इधर से जो है इधर का हिस्सा जो आएगा उसको दिया जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का फोर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, ये आपका सेकंड है। थर्ड की जरा बात कर लेते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए माइनस बी, यानी ए में से बी को माइनस कर देना है। तो ए में से बी जब माइनस करेंगे बच्चों, जरा ध्यान रखना, ये पूरा ए है यहाँ तक का, ये वाला बी है, जब माइनस करेंगे तो ये वाला बच जाएगा, थ्री से लेकर के फाइव तक के बीच का बच जाएगा आपका आंसर इसका। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए थ्री से लेके फाइव तक के बीच का मैंने दिखा दिया है आपको, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, और यहीं पे ये जो है आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको बनाने हैं, देखो थ्री से लेकर के फाइव तक के बीच में है, तो ये इस तरह से आपको आंसर देने इजी पड़ेंगे, और ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको ढंग से तैयार करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। इस 12वें क्वेश्चन में मुझे फिर से चर्चा करनी है बच्चों, एंड का जो मतलब होता है बच्चों वो यूनियन होता है, एंड का इंटरसेक्शन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन होता है, मतलब सारे। तो इसमें बच्चों जो कॉमन पार्ट था वो इसमें कोई भी नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर एंड से दिया गया है ये, और इसमें कॉमन पार्ट कोई भी नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग सही कर लेंगे, क्योंकि बीच में मुझे याद है तब मैंने इसको बताना चालू किया, एंड और नहीं वो बता पाया था बीच में, तो ये ध्यान रखना एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, और का मतलब यूनियन होगा, अगर कहीं पर भी इस तरह की चीज छूट गई है तो उसको भी आप लोग सही कर लेंगे। और आज बच्चों बस इतना ही रहने दे रहा हूँ इस उसमें वीडियो में, बाकी अगले वीडियो में मिलूंगा फिर से, तब तक ये लाल रंग का जो बटन दिखाई दे उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।